चिचिटा सीता संवाद। उसी रात चिट्टा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिचा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं? क्या हुआ? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला या किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मर्ग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी मैं जो मेरे प्राणों को रख रखा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिचटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं को शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे वही यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिचटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा, सिरों के बार बार काटे जाने से जब यह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। छड़ा मोही दिख दिख अधम मंद मति तोही पद गही।
चढ़ी पुनि धावा सुनि आगवन दसानन कीरा कपिदल घर भर भयो घनेरा भूधर बिटप उपारी थाए कटकटाई भट भारी थाए जो मर कट बिकट भाल कराल कर भूधर धरा अति कोप कर प्रहार मारत भज चले रजनी चरा पिछलाए दल बलवंत की सन घेर पुनि राम लियो चपेट निमारिन घन बिदारि तनु व्याकुल कियो देख महामरकट प्रबल रावण की न विचार अंतरहित होइ निमिष महु कृत माया विस्तार ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर फिर चिट्ठा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही है राजयुग के समान बड़ी हो गई वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बयान नेत्र और भाव भड़क उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। रावण का मूर्छा टूटना राम रावण युद्ध रावण वध सर्वत्र जय धनी। यहाँ आंधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा अरे मूर्ख तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया अरे अधम अरे मदबुद्धि तुझे धिक्कार है धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर बिगड़ कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और जड़ ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। सारद निगम कब
सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सरस अजर बिहारी। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जी प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। युगग्निया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। ये पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। बानर भाग कर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शीतल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूछ दसों दिशा में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक धनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई है। प्रभु को देख कर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय हो जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेश मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े। निज रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, फिर सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ पड़ता है, शत्रु मरता नहीं और उसके अपरिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिवजी जी कहते हैं उन्हें जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की
परीक्षा ले रही हैं। भीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभिकूट में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुष्चल तारे प्रकट हो गए। दसो दिशा में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्यग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्रमार से जल भाने लगी। मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश से रसपात होने लगी। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरमृत उत्पाद देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी हृदय में बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींच कर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प। नायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा, ले सिर बाह चचा, सिर भुज रुंड महीनाचा, हर निध सही हर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा, घर ज्यो मर्द घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, लोली भूमि गिरत दस कंधर, छुपित सिंधु सर दिग्गज भूधर, धर निपर्यो दो खंड बढ़ाई, चापि भालु मरगत समुदाई, मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहाँ जगदीसा, अभी से सब निशंग महु जाई, देख सुरंग दुंदु भी बजाई, नासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन, जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा, वर्ष ही सुमन देव मुनि बृंदा, जय कृपाल जय जय ति मुकुंदा, जय कृपा गंग मुकुंद बंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभु, कल कल विदारण परम कारण, कारुणीक सदा विभू, सुर सुमन वर्ष ही हर्ष संकुल, बाज तुंदु विगह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभाल, सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनो, आगे भूहर राज ही, जनु नील गिर पर तड़ित पटल समेत उद्गन भ्राज ही, भुज दंड तर को दंड पैर तरुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने, कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद, मंगल भवन अमंगल हारी, एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोक करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धन प्रतिवर नाचने लगा। धर प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मार कर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियाँ दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो।
देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा, हे कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राम, द्वेष, हर्ष, शोक, जन्म, मृत्यु आदि दबों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मनो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण धनुष की फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लन मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदा मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। मंदोदरी बिलाप रावण की अंत्येष्टि क्रिया। सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार रोने लगी, उनके बाल खुले गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी, अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेज हीन थे, शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं कर सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी क्रूरता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन भी ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी षष्टि तुम्हारे वंश में थी, लोग पाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रही है। राम विमुख के लिए ऐसा
होना अनुचित भी नहीं था, उचित ही है। ये पति काल के पूर्ण वंश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना है। चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते उन करुणामय भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारे यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह है रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आह नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। काना सुर मुन सिद्ध सबन सुख माना अज महेश नारद तन कादी जे मुनि पर परमार्थ बादी हरि लोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भये सुखारी रुदन करत देख सब नारी गयो विभीषण मन दुख भारी बंधु दशा बिलोक दुख कीन्हा तब प्रभु अनुजहि आय सुदीन्हा लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो बहुर विभीषण प्रभु पहि आयो कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका करो प्रिया परिहर सब शोका कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी विधिवत देश काल जिय जानी मंदोदरी आदि सब दे तिला चलिता ही भवन गई रघुपति गुण गद पर नत मन मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे ये सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख कर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उस रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। विभीषण का राजा अभिषेक आई विभीषण पुनि सिरुनायो कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नय सीला सब मिल जाहु विभीषण साथा सारे तिलक कहो रघुनाथा पिता वचन मैं नगर न आओ आप सरिस कपि अनुज पठाओ तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना की नहीं जाय तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुति अनुसारी चोरी पानी सब ही सिर नाये सहित विभीषण प्रभु बही आए तब रघुवीर बोली कपिली ने कहि प्रिय वचन सुखी सब की ने ये सुखी कहि वाणी सुधा संभल तुम्हारे रिपुहयो पायो विभीषण राज तिहु पुरजस तुम्हारो हित नयो मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जुगाई है संसार सिंधु पार प्रयास बिन नर पाई है प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाही कपि कुंज बार बार सिर ना वही कहि सकल पद कंज सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया।
तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम बानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवंत और मारुति सब नीति परिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज से अलग कर दो। पिताजी के वचनों को कारण मैं नगर में नहीं जा आ सकता पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। तभी सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। हनुमान जी का सीता जी को कुशल सुनाना, सीता जी का आगमन और अग्नि परीक्षा। प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रियों का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूँ, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सदगुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। जन कुशल सुनाई सुन संदेश भानुकुल भूषण बोली लिए
शुभराज विदेशन मारुत सुत के संग सिधा बहु सादर जनक सुतहि लै आवहु तहि सकल गए जह सीता से वहि सब निश्चरी विनीता एक विभीषण तिन्हि सिखायो तिन बहु विधि मंजन करवायो बहु प्रकार भूषण पहिराए सिधिका रुचिर साज पुनि ल्याए पर हर्ष चढ़ी वैदेहि सुमिरि राम सुख धाम सनेहि खेत पानी रक्षक चहु पासा चले सकल मन परम हुलासा देखन भालु कीस सब आए रक्षक कोपि निवारण आए कह रघुवीर कहा मम मानहु सीतहि सखा पया दे आनहु देखौ कपि जननी की नाई बिहस कहा रघुनाथ गोसाई सुन प्रभु वचन भालु कपि हर्षे नवते सुर न सुमन बहु वर्षे सीता प्रथम अनल मोहरा की प्रकट की निज अंतर साखी यही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्भाग सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद हे तात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ निमित्ता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए तो रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले जाओ ले आओ जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। गुरु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश के देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। श्री
के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर भी श्री राम जी का रुख देख कर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देख कर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। फिर वो श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंधित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजू थे। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मनो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवताओं की स्तुति, इंद्र की अमृत वर्षा। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बाणा हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। सब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चल्यो चरण सिरुनाई, आए देव सदा पारथी, भजन कहि जन परमारथी, दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीनी देवन परदाया, विश्व द्रोह रति यह खल कामी, निज अग गयो कुमार अग गामी, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, मकल अगुण अज अनघ अनामय, अज अमोघ शक्ति करुणामय, दीन कमट सो कर नर हरि, वामन परशुराम बहु धरि, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धरि तुम ही न सायो, यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रस अति कोही, अधम सिरो मन का पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, हम प्रभु पाहि शरण अनुसरे, कर विनती सुर सिद्ध सब, रह जहतह कर जो, अति सप्रेम तन पुल की दिशी, अस्तुति करत बहोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मनो बड़े परमार्थी हो, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुनाथ, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की, विष के द्रोह में तत्पर या दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप सच समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित अजन्मे निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और दयामय है, आप नहीं मत्स्य कच्छप बारह नरसिंह बामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया
तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने उनका दुख नाश किया। या दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मत के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था, ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्रय हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अपराधी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर बाप सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य धाम और दुखों को हरने वाले हरि। हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करती हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले, समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण, दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करती हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल
प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कर्ण, दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं जानकी जी सहित आपको नमस्कार करती हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रगति और कार रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के प्रलाप तथा मंद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप निंद या दोष रहित अखंड इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्व रूप होते हुए भी आप या सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं, या कोई दंत कथा कोरी कल्पना ही नहीं है। जैसे सूर और सूर का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे यहाँ भी संसार से भिन्न तथा भिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभो, ये सब बानर प्रथात रूप है जो आदर पूर्वक ही आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस अभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे दुख सुख मानकर आनंद से बिछड़ता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाली और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं की महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम को देख कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब देव पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। अवसर दशरथ ना आए, तने बिलोकि नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, सात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निसाचर राव, सुन सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी, रघुपति प्रथम प्रेमानुमाना, चितहि पितहि दीनहु दृढ़ ज्ञाना, साते उमा मोक्ष नहि पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो, सगुनो पासक मोक्षन लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि, बार बार करि प्रभु हि प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुर धामा, अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशला की, शोभा देखी हर्ष मन स्तुति कर सुरीस, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके गुणों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देख कर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को जय राम शोभा धाम नायक प्रणत विश्राम।
फल गर्भ ये मत्स्य सुरगम भर्म मुन सिद्ध नर पद नाग हटि पंथ सब के लाग पर द्रोहरत अति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहि रहाति अभिमान नहीं को मोहि समान अब देख प्रभु पद कंज गत मान पद दुख पुंज ओ ब्रह्म निर्गुण ध्यान अव्यक्त जय श्रुति गाओ मोहि भाव को सलोक श्री राम सगुण स्वरूप मैं देहि अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुख धाम राम नमामि कामानेक छवि रघुनायकम सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम अब करि कृपा बिलोकि मोहि आय सुदेह कृपाल काह करो सुन प्रिय वचन बोले दीन दयाल के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले शेष तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खरभूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हट पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत तुष्ट था। उस पापी ने वैसे ही पल पाया। अब ये दीनों पर दया करने वाले हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर आप प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान जाता रहा। कोई इन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के दाम हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि दबदबों के नाश करने वाले मनुष्य शरीर धारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय कृणा से कोमल श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे कृपालु अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी भूले। जाना सुन खगेश प्रभु के यह बानी अति अगाध जान ही मुनि ज्ञानी प्रभु सक त्रिभुवन मार जी आई केवल सक रह दीन ही पढ़ाई सुधा वर्ष कपि भाल जी आए हर्ष उठे सब प्रभु बही आए सुधा वृष्टि भय दुह दल ऊपर जी भालु कपि नहीं रजनी चर रामाकार भय तिन्हके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन सुर अंशिक सब कपि अरुरी छा जी सकल रघुपति की इच्छा राम सरिस को दीन हितकारी कीन्हे मुकुत निसाचर झारी फल मल धाम कामरत रावन गति पाई जो मुनि बर पावन सुमन वर्ष सब सुर चले
ढेर चिरतिमान देख तू अवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान परम प्रीति कर जोर जुग नलिन नयन भरि भारी पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरा हे देवराज सुनो हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है प्रीति पर पड़े हैं इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हे सुजान देवराज इन सबको जिला दो कागभूषण जी कहते हैं हे गरुण सुनिए प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है इंद्र ने अमृत बरसा कर बानर भालुओं को जिला दिया सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई पर रीछ बानर ही जीवित हुए राक्षस नहीं क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रमाकार हो गए थे अतः वे मुक्त हो गए उनके पव बंधन छूट गए किंतु बानर और भालु तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे इसीलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है जिन्होंने सारे राक्षसों को मूत कर दिया दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे क्षय रघुकुल नायक थित पर चापुर चिर कर सायक मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर न्यूतम प्रबल प्रताप दिवागर काम क्रोध मद गज पंचानन बसो निरंतर जन मन कानन विषय मनोरथ पुंज गंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव पार दिमंदर पर मंदर पार तारय संतृति दुस्तर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतार तिमोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसो राम नृप मम उरंतर निरंजन महि मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु दास विखंडन नाथ जब ही कौशल पुरी होई तिलक तुम्हार कृपा सिंधु मैं आऊ देखन चरित उदार हे रघुकुल हे स्वामी सुंदर हाथों में शेष धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए आप महामोर रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं आप उदार और मन से परे हैं भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए हे श्याम सुंदर शरीर के हे कमल नयन हे दीन बंधु हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हे राजा रामचंद्र जी आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं हे नाथ जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा विभीषण की प्रार्थना श्री राम जी के द्वारा भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन शीर्ष योद्धा पहुंचने का अनुरोध
सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदु बानी बिनय सुनह प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलीन हीन मति जाति मो पर कृपा कीनी बहु भांति। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे मज्जन करिय समर श्रम छीजे। देख कोस मंदिर संपदा दे कृपाल कपिह कहु मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाई पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु दीन दयाला सजल भय दो नयन विशाला। और कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात कृष जपत निरंतर मोहि। देखो बेगि सो जतन करो सखा निहो रहु तो। बीते अवधि जाऊ जो जियत न पाऊ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु बुध बुध पुलक शरीर। करहु कल्प भरि राज तुम वोहि सुमिरहु मन माहि। पुनि मम धाम पाई हहु जहाँ संत सब जा। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब ये प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ मुझे सब वानर से प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह सच बात है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कुछ दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सका वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी ही जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहुरा अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। वचन राम के हर्ष कहे पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षाने कहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुर विभीषण भवन सिधायो मनिगन बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा हसि कर कृपा सिंधु तब भाषा। चलि विमान सुन सखा विभीषण गगन जाय बरषहु पट भूषण। नव पर जा विभीषण तब ही वर्ष दिए मनि अंबर सब ही। जोई जोई मन भावई सोई ले ही मन मुख मेल डार कपि दे ही। हसे राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपा निकेता। उन जही ध्यान न पावही नेति नेति कह भेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप नाना मक व्रत ने राम कृपा नहीं कर सती जस निष्केवल प्रेम। मंगल हवन अमंगल हारी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर बालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। विभीष
भूषण का वस्त्राभूषण प्रसना और बानर भालू का उन्हें पहनना। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने बढ़ियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर गुरु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस कर कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। उसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिन्हें मुनि ध्यान में ही नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिवजी जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप तान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसे कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। पाए पहिर पहिर रघुपति पही आए, नाना जिनस देख सबकी सा, पुनि पुनि हसत कोसला धीसा, चितई सबनि पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो, निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुनि रहु मोहि डर पहुँचन काहु, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरि पानी बोले सब सादर, प्रभु जोई कहो तुम सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा, दीन जान कब किए सना था, तुम त्रै लोक ईस रघुना था, सुन प्रभु वचन लाज हम मरही, मस्तक कहो खगपति हित करही, देखि राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन देखि के ईछा, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप मोर राखी, हर्ष विषाद सहित चले, कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे, यूथप कपि बलवान, कही न सकहि कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन पारी, सन्मुख चित वही राम तन, नयन विशेष निवारी। बालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विभल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कई मच्छर भी गुरु का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मगन हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री सीता राम जी का वध के लिए प्रस्थान, श्री रामचरित की महिमा। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रख कर और अनेकों प्रकार से विधि करके हर्ष और विषाद से घर को चले। बानर राज सुग्रीव, नील, रक्षराज, जामबान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय
विमान चढ़ाई, मन मोह विप्र चरण सिरुनायो, तर दिसि विमान चलायो, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर, राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जनु घन दामिनी, चिर विमान चले अति आतुर कीन्ही, सुमन वृष्टि हर से सुर, परम सुखद चले त्रिविध बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी, सगुन कोई सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा, कह रघुवीर देखुरन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रण मही परे निसाचर भारे, करन रावण दो भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई, इहा से तु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, सबो कीन प्रणाम, जह जह कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम, सकल देखाए जानकी, कहे सबन के नाम। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो समीरू के शिखर पर बिजली सहित शाम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अतन सुख देने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि में देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। गिरफ्तार मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बांधा बनवाया और सुखदाम श्री शिव जी जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी से श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ तहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। परम सुहावा कुंभ जादि मुनि नायक नाना गए राम सबके अस्थाना सकल ऋषि सन पाई असीसा चित्रकूट आए जगदीसा कह कर मुनि नकेर संतोषा चला विमान कहाँ ते चोखा और राम जानकी हित खाई जमुना कलिमल हरनि सुहाई मुनि देखी सुर सरी पुनीता राम कहा प्रणाम कर सीता तीरथ पति पुनि देख प्रयागा निर्खत जन्म कोटि अघ भागा देख परम पावन पुनि बेनी हरनि शोक हरि लोक निसेनी पुनि देखु अवधपुरी अति पावन त्रिविध ताप भव रोगन सावनी सीता सहित अवध कहु कीन्ह कृपाल प्रणाम सजन नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम पुनि प्रभु आहि त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन्ह कपिन सहित विपन्न कहु दान विविध विधि विमान शेर की वहाँ चला गया आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का निवारण करने वाली स्वामिनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो।
फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यूं कहकर के पालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान किए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, भरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए, हूँ समाचार ले तुम चली आए। भरत पावन सुत गावन भयो, तब प्रभु भरद्वाज पही गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। निहा निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुर सर नाघी जान तब आयो, उतरो तट प्रभु आय सुपायो। अब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। दीनी असीस हर्षि मन गंगा, सुंदर तव अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। प्रभु सहित बिलो की भय देही, परयो अवन तन सुधि नहीं देही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्ष उठाई लियो उर लाई। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठाई परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की विरचि, शंकर से प्यजे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद, सो हरि भरत जोर लाइयो। अति मंद तुलसी दास, सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नार चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। समर विजय रघुवीर के, चरित जसुन सुजान। विजय विवेक विभूति निसा, देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नान अधार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। व्रत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। वनपुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की, और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ सब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुभाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज भू प्रेम में विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप पाया और श्री जानकी जी से प्रभु को देख कर वह आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्धि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देख कर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठकर
कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखदान, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवंश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामारी विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता शिव और मुनि आनंदित होकर चरित गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन विचार करके देख, या कलिकाल पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। 27वां विश्राम।